Okay? You'll see the numbers there. So you can see the light one as well. Yeah. So you hold it like that, as I told you. Yeah? Like that. Right, make sure your fingers are coming in front of the camera, man. That's what I said. Yeah? Is everything in there? Yeah. Okay, and these people are in there, and... Okay, good. Do you get this? Ben or his man? I forgot it back. Yeah. I'll sit on that chair. Okay, welcome to the 14th Civil Society Forum, HAK. We're here in Sensar, which also happens to be my hometown. I have a couple of gentlemen here with me, to my right and to my left, who are taking part in this forum. As you remember, last week we were in Kolkata, and the environment was totally different. There were 35 people. It took place at the press club. 23 people participated in the conversation, in the discussion, and among the participants was also the local constituency member of the assembly in Muzaffarabad, Mr. Badr Khan. So we are talking about land reform, agricultural productivity, and citizens' responsibility. Up, log jo aaye hain yahan baithe hain, main sirf thoda sa shuru mein angrezi mein thodi aadat hai ki main taaruf karta hoon. So ye hamara 14th civil society forum hai, hamara sensor mein jo hum kar rahe hain. तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि मैंने बुलाया तो तकरीबन 26 लोगों को है, तो अब दो हैं यहाँ पे, तो तीन बात ठीक है, ठीक है, सही. तो इफ यू कैन कम क्लोजर, या सो बट यू कांट गेट द थिंगी इन देन, सॉरी, यू कांट गेट द मैप इन. ओके फाइन. तो ऐसा है कि दो से लोग, एट लीस्ट यू गेट अ पिक्चर, दैट डजंट मैटर अबाउट द मैप. And you can sit here. You can view it better. Doesn't matter. Yeah, don't worry about that too much. You get the map. I mean, you can move around a little bit at times if you need to. Well, man, I need to get them two in as well. No, that's not important, man. Just stay there where you are. Acha. So, yeh hai ki jo aaj ka mauzu hai, wo hai. ज़मीनी इस्लाहात, ज़री पैदावार और शहरी ज़िम्मेदारी. तो इस सिलसिले में मैं ये चाहूँगा कि शुरू में मैं थोड़ा सा आपको सिविल सोसाइटी फॉर एजुकेशन के हवाले से थोड़ा सा तारीफ करूँ कि इसके पीछे क्या पस मंजर है, क्या मकसद है, और ये जो हफ्तावार में फोरम्स करा रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ, इसके पीछे क्या मकसद है. तो मुझे यहाँ पे 5.5 साल हो गए हैं यहाँ हमारे खत्ते में, और मेरे अंदर एक तजस्सुस था कि यहाँ पे बहुत सारे लोग, मैं जब इंग्लैंड में था तो लोग कहते थे कि यहाँ पे जो है एक मसला है कश्मीर का, आज़ादी का, वगैरह वगैरह. तो बहैसियत एक सहाफ़ी जिन ममालिक में मैंने काम किया, और फिर इंग्लैंड में भी जो हमारा काम था, मैंने ये महसूस किया कि अगर मेरे अपने घर में, यानी कि जहाँ पे मैं पैदा हुआ हूँ, अगर वहाँ पे एक कौमी सवाल है और वहाँ का जो खिता है वो एक मतनाज़ा इलाका है, तो मुझे इराक और अफगानिस्तान जहाँ पे मैंने काम किया है BBC के लिए, मुझे उन खितों के ऊपर, उन लोगों के ऊपर, उनके जो मसाइल हैं पॉलिटिकल, सोशल वगैरह, मुझे उसके ऊपर ध्यान देने की क्या ज़रूरत है जबकि मेरे अपने खिते में इतने मसाइल हैं. तो ये इसकी पस मंज़र, जो बैकग्राउंड है सिविल सोसाइटी फोरम का. तो जो कौमी सवाल है वो बेशक एक सवाल है, उसमें हमारे जो अवाम है उसमें मुख्तलिफ राय हैं, कोई एक कंसेंसस नहीं है हमारे यहाँ आज़ाद कश्मीर के अंदर कि भाई हमारा जो मुस्तकबिल है वो ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए. तो उस सिलसिले में ये है कि जब कौमी सवाल पेंडिंग है तो हमें ये देखना है कि इस कौमी सवाल को हल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए. तो इसके लिए मैंने ये सिविल सोसाइटी फोरम का सिलसिला शुरू किया. हफ्तावार प्रोग्राम है, तीन मैंने मुजफ्फरबाद प्रेस क्लब में भी फोरम्स किए थे, तो लोगों की मुझे जो है राय सामने आई. तो
ये है पीछे थोड़ा सा पस मंजर, हम बाद में अगर और कोई सवाल है वो जरूर हो सकते हैं। तो ये जो मौजू है जमीनी असलाहत, ज़रई पैदावार और शहरी जिम्मेदारी, इस पर मैंने कुछ थोड़ा सा अपनी रिसर्च में कुछ देखा कि अगर हम जो इंडिया के कब्जे में जो कश्मीर है अगर वहाँ हम देखें तो शेख अब्दुल्ला बड़ा बेचैन था। हाँ, वो एक शख्सियत हो सकता है कि बाज़ लोगों के नज़रिए के मुताबिक वो मुतनाज़ा है, लेकिन इतना हम ज़रूर कह सकते हैं कि ये ज़मीनी असलाहत के हवाले से ये उसने पहला कदम उठाया और उसकी बड़ी बेचैनी थी कि ये जो ज़मीन है ये उन लोगों के पास जाए जो लोग इसके ऊपर काम करेंगे, जिनको इंग्लिश में टिलर कहते हैं। तो लैंड टिलर रिफॉर्म के नाम से वहाँ पे शुरू में ही 1950 में इकदाम हुए हैं लैंड रिफॉर्म्स के नाम पे। वहाँ पे कुछ असम्बली के जरिए कुछ तरमीम या कुछ वो क्रिएट हुआ है, पैदा हुआ है। तो उसके अलावा इंडिया में भी हमने देखा कि नेहरू वगैरह इन्होंने भी वहाँ पे भी काफ़ी लैंड रिफॉर्म के हवाले से काफ़ी काम हुआ है। हमारे यहाँ पड़ोस पाकिस्तान में अयूब खान के दौर में 1959 में भी लैंड रिफॉर्म्स हुए, ठीक है। और उस सिलसिले में कुछ लोग कहते हैं कि केश खुर्शीद साहब जो यहाँ पे जिम्मेदार थे उनकी भी बड़ी ख्वाहिश थी कि यहाँ पर भी ज़मीनी असलाहत हो। ये एक अलग बहस है कि उसमें वाकई खुर्शीद साहब की तरफ से था या अयूब खान और उनकी जो मिलिट्री हुकूमत थी उनकी थिंकिंग थी। पर यह कि कोई ख़ास यहाँ पे जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है आपको डिस्कस भी हो सकता है कि कुछ ख़ास यहाँ पे रिफॉर्म्स या इस्लाहात नहीं हुए। जब हम कोई भी टॉपिक डिस्कस करते हैं तो हम माशी इंसाफ के को एक पैमाने के तौर पर रखते हैं। तो माशी इंसाफ के लिए ये बड़ा ज़रूरी होता है कि माशरे के अंदर जो मालूमात है, इंफॉर्मेशन है, डेटा है, वो लोगों के पास हो, पब्लिक के पास हो, ताकि जितनी ज़्यादा उनके पास इंफॉर्मेशन होगी उतने ही बेहतर वो फैसले करेंगे। अभी हम फोरम से पहले डिस्कस कर रहे थे कि जो वोट है वो एक बहुत कीमती चीज़ है। तो अगर आप जो वोट दे रहे हैं अगर आपके पास सही मालूमात नहीं है कैंडिडेट्स के बारे में जो लोग खड़े हैं इलेक्शन के लिए, अगर आपको सही मालूमात नहीं है कि इन्होंने पिछले 4-5 साल में कितना बजट में से पैसे कहाँ पे खर्च किए, कैसे मामलात हुए हैं, तो आप आइंदा क्या फैसला कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में? आपको वोट तो ये मुमकिन है कि आपको वोट ज़ाया हो जाए। ये भी एक सवाल है जो डायरेक्टली इससे लिंक वैसे नहीं होता, बहरहाल इस मसले को समझने के लिए मैंने इसका जिक्र किया है। तो इसके अलावा कुछ लोगों से मैंने डिस्कस किया फोरम से पहले ज़मीन इस्लाहात के बारे में। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि यहाँ पे ज़मीन इस्लाहात के बारे में इतना ज़्यादा टॉपिक नहीं है क्योंकि हमारे पास ज़मीन इतनी नहीं है, और जो है ना ये इंडिया पाकिस्तान में अलग मसला है कि वहाँ पे ज़मीनें बहुत सारी हैं और बहुत सारा ये फ्यूडल जो सिस्टम है, जमींदारी का सिस्टम, वो डोमिनेंट है, वो नुमाया है, इसलिए वहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, यहाँ पे कोई इतना नहीं है, ठीक है। ये भी एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, दीगर भी चीज़ें हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं ज़्यादा वक्त खुद ही लगाऊँ। तो मैं शुरू करना चाहता हूँ, या आप शुरू कर सकते हैं या अंकल सलीम साहब, मुझे कोई इसमें नहीं है। जी थोड़ा सा पहला मेरा नाम मोहम्मद सलीम है और मैं सोशल वर्कर हूँ बरतानिया में। एक अदारे के साथ मुंसलिक हूँ, उनके लिए काम करते हुए मुझे अभी 12 साल का अरसा हो चुका है। और कश्मीरी कम्युनिटी के साथ मेरा रिश्ता बहुत रूट्स से है, और मैं थोड़ा सा लेंथी अपना तारफ करवा दूँ कि शायद मैं इस फॉर्म के बाद बरतानिया चला जाऊँगा। तो उस हवाले से मैं 14 साल की उम्र से यहाँ से एक महाजन की हैसियत से बताने में चला गया, और वहाँ मेरी जो परवरिश हुई वो अंग्रेज लोगों के साथ हुई, और मैंने अंग्रेज़ी माशरे को प्रैक्टिकली बड़ा करीब से देखा। उसमें जवान हुआ, मेरे दाग के बाल आप सफ़ेद आपको ज़रूर नज़र आते होंगे,
लैंड रिफॉर्म्स का जो टॉपिक तनवीर साहब ने नुमाया तौर पर आपके सामने पेश किया, उसमें लैंड रिफॉर्म्स जो नेहरू ने की, शेख अब्दुल्ला ने की और उसके बाद अयूब खान ने की, ठीक है, उसमें थोड़ा सा तासर आज़ाद कश्मीर में भी मिलता है जब लोगों को मारूसी से मालकाना हकूक मिले, मगर उनका ख्याल ये था कि अगर हम ये लैंड रिफॉर्म करेंगे तो उसके नतज ये बरामद होंगे कि लोग ज़मीन को बड़ी अच्छी तरह से संभाल कर उसका इस्तेमाल करेंगे और उस पर ज़राई पैदवार करने की कोशिश करेंगे। मगर मैं ये देख के महसूस कर सकता हूँ कि इन लोगों ने उसका अशर वही किया जो पहले इसमें एक नमाया कबीला है आज़ाद कश्मीर के अंदर राजपूतों का और सरदारों का, वो जब दूसरे नए मालिक जब आए तो उन्होंने भी उन्हीं अपने पेशवा राजों और सरदारों की नकल करके ज़मीन को बंजर रखा, उस पर कोई काश्त नहीं की, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन अपने कब्जे में डालकर उसे बेकार बना दिया। मैं जब अपने ज़मीन पर नज़र दौड़ाता हूँ तो लाखों करोड़ों टन का सिमट मुझे मेरी ज़रखेज़ ज़मीन को इस सीने पे सांप की तरह रेंगता हुआ नज़र आता है और मैं वो फीलिंग्स आपको बयान नहीं कर सकता। जब मैं अपनी ज़रखेज़ ज़मीन पे कोई कोठी तामीर होते हुए देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मेरी ज़मीन माँ का माँ की बेहरमती हो रही है, और मैं ये समझता हूँ कि हमें इंडिया और पाकिस्तान के साथ मुकाबला नहीं करना चाहिए। हमारे ज़मीनी अकायद मुख्तलिफ हैं, हमारे पास बेशुमार ज़मीन है, हमने अपनी ज़रिए ज़मीन पर कोठियाँ तामीर करके जो बंजर पहाड़ी हैं उन्हें खाली छोड़कर बहुत बड़ा जुल्म किया है। और मैं इस फॉर्म के जरिए जो लोग अभी किसी भी सिचुएशन में बैठे हुए हैं जहाँ पे डिसीजन मेकिंग के पोजिशन में है, वो ज़रिए ज़मीन पर तामीर को गैर कानूनी इकरार देते हुए उसे गैर कानूनी बनाएं और बेहतर तकनीकों से देखते हैं कि आप पक्के मकान ना बनाएं, आप कच्चे मकान बनाएं, आपके पास मिट्टी आती है, आपके पास पत्थर आपना है, आपके पास लकड़ी आती है, आप अपनी इस खून पसीने की कमाई को ज़ाया ना करें, इसको अगर आपके पास बॉन्ड या डॉलर या रियाल वगैरह है कर सकते हैं कि आप ज़रूरी फार्म बनाएँ और फार्म हाउस के अंदर जो मकान हैं वो कच्चे हों, इसलिए कि अगर उन मकानों को उखाड़ कर ज़मीन को काट के काबू बना हो तो वो आसमान हो। ये जो कामी के पहाड़ ये कमी के जंगल आप कामी कर रहे हैं बढ़ कर रहे हैं अपनी शहर की सफाई का दुकान है, तो जो भी एम एल ए हो एक दफ़ा ज़रूर अपने शहर में आकर सफाई ना करें और बाकी लोगों को सफाई करने का शौक पड़े। और इसलिए लंबी बात लैंड रिफॉर्म पर नहीं हो सकती कि हमारे पास ऑडियंस इतने ज़्यादा नहीं है जो चलो ये इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है जी शायद ज़्यादा वीडियो के जरिए ये जाएगा यूट्यूब की देख सकते हैं जी जी और वो इसके लिए बेहतर फैसला कर सकते हैं। मेरे पैगाम यही है कि आपने ज़मीन माँ पर कोठियों पर बंजर से इसके सीने पे आप खंजर ना डालें बल्कि इसको काबिल काश बनाकर इसके नेकी के काम के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि ये हमें रिस्क देती है और कहते हैं कि रिस्क जो है खुदा से छोटा है और हर चीज़ से बड़ा है। अच्छा मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा थोड़ी फोकस काम कर रहा हूँ, आप कुछ तक मिसालें सामने आई थी, आपने कोटली की मिसाल सामने है, वो भी चीज़ आपने देखी, उसका उसका उससे क्या जो आपने देखा आपने की और दूसरा मीरपुर जो वैन है उसके बारे में समझ रहा हूँ दोनों बहुत बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल तो ये है कि कोई आज के 20 साल पहले एक अंग्रेज बाहर है कोटली में, तो वो अंग्रेज कोटली के काफ़ी अमूर था, तो जो ड्राइवर उसे इस्लामाबाद से ले गया था कोटली, तो जो हमारे कचहरियों का एरिया है उसमें वो उत्तर आबादी थे, उत्तर मैं चारों तरफ घूम कर देखा पहाड़ियों को इमारतों को, तो उसने कहा ड्राइवर मुझे वापस ले चलो यहाँ पर अकल के अंधे रहते हैं। तो ड्राइवर क्योंकि वो इतना पढ़ा लिखा नहीं था उसका इशारा नहीं समझ पाया, तो उसने कहा कि सर मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, आप मुझे ज़रा ज़्यादा करके बताएं कि इसका मतलब क्या है। तो उसने कहा कि ये जो डीसी का बच्चा बैठा हुआ है इसको ये बताओ कि दरिया बुलंदी से बहता है, ज़रखेज़ ज़मीनों पर कोठियाँ तामीर हैं और बंजर पहाड़ियाँ खाली पड़ी हुई हैं, ये उसको बता देना, और वो जो आदमी एग्रीकल्चर एडवाइजर आया था वो वापस चला गया। तो एक तो यह है, और डैम के हवाले से ये है कि जब डैम के अंदर इतनी ज़रखेज़ मिट्टी इकट्ठी हो गई है
तो आप डैम को पीछे हटा के अंदरूनी कश्मीर में अगर बनाएं तो उस जमीन को आपका काबिल काश लाकर लाखों करोड़ों टन गंदा पैदा कर सकते हैं और आपका जो है खर्चा भी इतना ही हो जाएगा जितना अपराइजिंग में हुआ है और मजीद हमारी बस्तियां जो है वो डूबने से बच जाती है और हमारा तारीखी शहर भी पर दोबारा अपनी असली हालत में हमारे सामने आ जाता। इसलिए डैम के हवाले से यही है कि आप जो भी डैम बनाए जाए उन्हें अंदरूनी कश्मीर ले आए और उनको पीछे हटाकर नार के मुकाम पर ले आए, उलार के मुकाम पर ले आए या पीछे ले जाए तत्ते पानी ले जाए जितना भी पीछे जा सकते हैं ले जाए और छोटे छोटे काफ़ी सारे डैम बनाए और जितनी जमीन है मीरपुर के अंदर उसे वो नहायत ही काराम जमीन आपके हाथ लग सकती है। तो अच्छा ठीक है, एक और चीज़ें अब यह है कि दुनिया भर में आप देखें कि जो कौमें तरक्की की राह पर होती हैं डेवलप हो रही हैं उसकी उन मुल्कों में एक पैटर्न नज़र आ रहा है कि जी ये जो मुल्क है ये जो इकॉनमी है ये डेवलप हो रही है तो अक्सर हुकूमतों की कोशिश ये होती है कि वो कम अज़ कम खाने पीने के मामले में वो जो मुल्क हैं वो सेल्फ सफिशिएंट हों। ठीक है, अब यह है कि खाना पीना तो एक रोज़मर्रा की चीज़ है ना। ठीक है, अब अगर एक चीज़ 10 रुपये की या 20 रुपये की मिल रही है इसका मतलब तो नहीं कि यार ये चीज़ों की इतनी अहमियत नहीं है क्योंकि हर रोज़ हर आदमी खाता है। ठीक है, तो जब आप बहुत अप्लाई करें ठीक है तो ये आपकी आपकी सबसे इम्पोर्टेंट कमोडिटी है आपकी आपकी मार्केट में और ग्लोबली भी देखा जाए सबसे इम्पोर्टेंट कमोडिटी है। अगर आप फूड प्राइसेस देखें इस पिछले चंद सालों में जो जैसे इनका रेट बढ़ा है यानी कि आप हैरान होंगे कि क्या कुछ सिलसिला है तो हम सब सफिशियंट तो नहीं है। ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है डिस्कशन का। इस सिलसिले में ये है कि जब हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं थोड़ा सा हमें ये बताएं, एक तो आपने वो सीमेंट जो एक नफी चीज़ है और जो पैदावार है ज़मीनी वो उसका ऑपोजिट बरक्स एक चीज़ है वो तो चलो आपने बात कही है। दूसरी आपने बात ये भी कही कि नेचुरली हमारे पास सब कुछ है, पानी है और धूप वगैरह है और कंस्ट्रक्शन के लिए जो हमने कंस्ट्रक्शन बनाने हैं अब जाहिर है कि बहुत सारे लोग कच्चे मकान में तो रहना पसंद नहीं करते लेकिन हमारे पास पत्थर इतने मकदार में हैं और हर किस्म की चीज़ जो तामीर के लिए ज़रूरी होती है वो सब चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पे। ठीक है, तो ये है कि ये कैसे हो सकता है कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं एक तो हमें शहूर आए कि किस तरीके से हम बेहतर उनको इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, और फिर जो फूड प्रोडक्शन है कि किस तरीके से हम सेल्फ सफिशिएंट हों इसके ऊपर अगर एक रोज़ आएंगे। एक्चुअली हमारी जो आबादियाँ हैं उन्होंने बहुत सारी हमारी जो एग्रीकल्चर रिच लैंड है उसे ऑक्यूपाइड किया हुआ वो हमारे पे हटा नहीं पड़ेंगे हटा के दोबारा से लैंड्स को हुकूमत की मदद से हैवी मशीनरी लेकर इस ज़मीन को प्लान किया जाए और जहाँ पर मिट्टी नहीं है डैम में करोड़ों अरबों खरबों टन ज़रखेज़ मिट्टी पड़ी हुई है उसे उठाकर इन मैदानों में बिछा दिया जाए जहाँ पर से कई लाखों साल की बारिश की वजह से मिट्टी सब वहाँ से बहकर डैम में चली गई है उसको वापस लाया जाए और जैसे वो कश्मीर में थी उसे बचाया जाए। दूसरी बात है कि जब मैं इंग्लैंड में था तो एक लकड़ी का मकान तामीर हो रहा था कोई 5 बेडरूम तो मैंने उस बंदे से पूछा कि ये मकान तुम कहाँ से लाए तो उसने कहा मैं ये मकान चाइना से लाया हूँ और वो टोटल लकड़ी का उसमें ये जो हमारी कोठियाँ हैं उसके सामने कुछ भी नहीं है वो लकड़ी से इस कदर खूबसूरत मकान था कि आदमी कहता था कि मैं कुछ देर इसको खराब होकर सिर्फ देखता रहूँ। तो ऐसे मकान हम चाइना से जाकर ट्रेनिंग लेके हमारी लकड़ी हमारे पास मौजूद है सिर्फ लकड़ी को ट्रीटमेंट करनी पड़ती है कि वो ऐसे केमिकल से लगाने पड़ते हैं कि ये जो इसको कीड़ा जो वुड वर्म होता है वो ना लगे। तो हम इन कोठियों अगर लकड़ी के मकान आप चाइना में जो बन रहे हैं 60 लाख का मकान जो है वो बरतानिया में उसने खरीदा है 60,000 पाउंड से तो ये तकरीबन 1 करोड़ रुपया बन जाएगा। ठीक है, तो 1 करोड़ का उसने बरतानिया में बनाया। अगर बरतानिया के वो लोग अपने रवायती मकानों को छोड़कर चाइनीज मकान जो लकड़ी के वो बना रहे हैं और वो इतने पुख्ता भी हैं तो क्या हम लोग अपनी लकड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकते बजाय इसके कि ये लकड़ी हमारे डैमों में और दरियाओं में बहकर वहाँ ख़त्म हो जाए। हमारे पास लकड़ी के लामहदूद वसाइल हैं, हम चाइना से टेक्नोलॉजी लेकर लकड़ी के मकान बना सकते हैं। लकड़ी के मकान की ये तारीफ होती है कि जब आप उसे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करेंगे आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आप उसके पेज निकालें
और ट्रेलर मंगाएं उसके ऊपर डालें और जहां आपने नेक्स्ट मकान बनाना है वहां बना सकते हैं। ठीक है, चलो ये मकानों के बारे में एक मेरी सजेशन है। और वो चाइना जो हमारे नेक्स्ट नेबर है वहां ये टेक्नोलॉजी मौजूद है। दूसरा जो लैंड रिफॉर्म है, लैंड रिफॉर्म अगर हम डैम तामीर कर सकते हैं तो हम जो हमारी जमीनों पर मिट्टी नहीं है हम दोबारा डालकर वो खेत भी बना सकते हैं। हमारे पास करोड़ों अरबों एकड़ जमीन जो है वो पत्थरों में उसकी मिट्टी बह गई है और वो उसका पत्थर सामने आ गया, उसको दोबारा हम लैंड बना सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि ये सब काम उस वक्त होंगे जब हमारे अदारों के अंदर इंसाफ और हक की बालादस्ती होगी, जब लोग हक और इंसाफ की बात करेंगे, एक दूसरे को खिलाने पिलाने की बात करेंगे, एक दूसरे को मारने की और कत्ल करने की बात नहीं करेंगे। यहाँ पे इंसाफ पसंद माशरा कायम करना सबसे पहले जरूरी है। उसके बाद हम जो 1.5 करोड़ लोग हैं हम दुनिया के सबसे अमीर तरीन लोग हैं, फ्रूट हमारा अच्छा है, जमीन हमारी अच्छी है, लकड़ हमारी अच्छी है, हमें किसी से कोई इसकी जरूरत नहीं। लाखों अब 30 लाख कश्मीरी जो है बरतानिया में रहते हैं, लाखों के हिसाब से हमारे नौजवान लोग जो है वो आला तालीम हासिल कर रहे हैं, वो हर किसी फॉर्म पे बेहतर से बेहतर नतीजे ग्रहण कर सकते हैं। जरूरत ये है कि उन लोगों को यहाँ लाकर इस मुल्क को चलाने का टारगेट दिया जाए। अगर हम लाखों में है तो हजारों में उन लोगों को यहाँ लाकर यहाँ के अनपढ़ों को 5 साल के लिए इंग्लैंड में भेजा जाए ट्रेनिंग के लिए, वहाँ इनसे मजदूरी करवाई जाए और उनको दिखाया जाए कि आजाद मुल्क में कैसे रहा जाता है। वापस मैं चाहूँगी ये भी शामिल हो जाए डिस्कशन में। सिर्फ एक चीज जो आपने एक बात कही कि ये जो बिल्डिंग्स तामीर हुई हैं कि इनको बुलडोजर से आप करें तो प्रैक्टिकल मसाइल तो है ना इसमें, मतलब कैसे कार्य करेंगे इन लोगों के बारे में। नहीं अगर देखें कि अगर चाइना में ग्रेट वॉल तामीर हो सकती है तो इनसे एक बड़ी दीवार बनाए या मोटरवे बनाए, वो जिस जमाने में हुए उस वक्त मजदूरी भी सस्ती थी, तो आज की मजदूरी मुफ्त थी, मतलब चाइनीज लोग ऐसे इनको आप जाएं देखें, आप रावला कोर्ट में जाएं, सहसे में जाएं, कोटी में लाखों नौजवान पूरा दिन आवारा गर्दी करते हैं, पूरा दिन आवारा गर्दी में मिलते रहते हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, उनको काम चल रहा है। बरतानिया में वो पीछे अपनी फैमिली को सपोर्ट करें काफी हद तक, इसकी वजह ये है कि हमारे लोग मेहनत करना छोड़ गए। आप कहीं भी देखें कोई काम नहीं होगा, सारा सारा दिन बाजारों और होटलों में बैठे रहेंगे, गप्पे हंसते रहेंगे। कुछ अर्सा पहले, कुछ क्या गया चंद साल पहले, ये लोग मेहनत मजदूरी करते थे, अब एक ऐसा हम काम बरतानिया से आ जाता है ये मेहनत नहीं करते। इन्होंने अपनी ज़मीनें जो है वो ठेके पर दे रखी हैं, अगर पंजाब से या सरहद से आ जाते कोई पठान आ गए या दूसरे कोई पंजाबी आ गए, हमारे मीरपुर में तो ज़्यादातर यही है कि उन्होंने रकबे जी ठेके पर दे दिए, जो कुछ मिल गया ठीक है बेहतर है, जो मिल गया बेहतर है, ना मिले तो कोई परवाह नहीं, ज़्यादा इसे ज़मीन जो है ऐसे पड़ी हुई है वो काश्त नहीं हो रही उस पर, क्योंकि उन्हें उसकी जरूरत महसूस नहीं होगी। ठीक है ऐसा हो तो जो जमीन काश न करे उसे जमीन वापस ले ली जाए और जरूरतमंदों को दी जाए। अच्छा अब मेहनत करना चाहते हैं करते हैं। ठीक है बैक से वापस आ रहे थे क्योंकि मैं अपने इंट्रोडक्शन में ये मुझे कहना चाहिए था कि ये शेख अब्दुल्ला ने किया था, उसने एक लिमिट रखा जी कि तकरीबन 22.75 एकड़ जो अगर आप जरब दें 8 के साथ तो 182 कनाल बनती है कि ये लिमिट है कि आदमी इतनी जमीन रख सकता है। तो यहाँ पे जो हमारी ज़मीन है, जो मैंने थोड़ी सी इंडिया पाकिस्तान की बात की कि वो ज़मीनें वसी हैं थोड़ा सा मुख्तलिफ है सिलसिला, यहाँ पे ये है कि जागीरदारी का निज़ाम है वो किस हद तक है और क्या यहाँ पे कोई लिमिट कैप रखना ये कोई मुनासिब है प्रैक्टिकल है या होनी चाहिए
मैं देखा जो जिनका ज्यादा जमीन है वो ऐसे पड़ी हुई बेकार जी, और हमारे पास मेहनती लोग हैं जी जिनकी जमीने नहीं है, अगर वो उन्हें दे दी जाए तो वो मेहनत करेंगे सही, खुद भी अपने लिए कमाएंगे और मुल्क के लिए सही। तो ये जो चीज़ है कि जो खाना पीना है, अगर आप खुद सेल्फ सफिशिएंट, खुद कफील अगर आप हो जाएं तो क्या आपके लिए तरक्की का रास्ता हमारे लिए होता, आपकी कौम के लिए? बिल्कुल होता है, ये हमारी गवर्नमेंट की सोच है। जैसे पहले डिस्कस किया कि जब पहले डैम बना था उस वक्त हम भी मुतासर हुए थे, 1966 में हमारी जमीनें बहुत जखेज थी, प्लान और जखेज काफी, उधर सब्जियाती फार्म थे उस वक्त भी, पहले वो हिस्सा चला गया, अब जो बाकी था वो अब जा रहा है, प्लान जमीन तकरीबन खत्म हो रही है, जो जखेज और प्लान, अब ये जो है नामवार जमीन ये बन जाए, ज्यादातर यही बचती है, और ये लेवल कर रहे हैं जी, प्लांट बनाएंगे करोड़ करोड़ के बेचेंगे, जमीन का रेट है 4 लाख 5 लाख 6 लाख रुपया कनाल, और इधर जो दे रहे हैं प्लांट बनाते हैं 2 करोड़, ये तो शायद नालियों में जो ये नाले हैं खासे बड़े बड़े उनमें प्लाजे बन गए। अच्छा, वापस आपके पास आएंगे, मैं चाहता हूँ कि इस आज इस फोरम में जंगी साहब भी आरपी थोड़ा शामिल हो जाएं जी। जी, तो ये जो तीन मौजूद में तीन चीज़ें हैं, एक तो ज़मीनी असलाहत कि क्या इसमें ये ज़रूरी है कि मिसाल के बहुत सारे लोग हैं उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं जो कोई काम नहीं हो रहा है, तो क्यों ना वो ज़मीनें उन लोगों को दी जाए जो मेहनत करना चाहते हैं और काम करेंगे, दरख्त भी लगाएंगे और उससे सब्जियां और दीगर जो खाने की पीने की अशिया हैं वो पैदा करेंगे अपनी अपनी मेहनत से, एक चीज़ ये। दूसरा जो 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 प्रोडक्टिविटी है कि क्या मतलब हम खाने पीने के मामले में कैसे जो हुकूमत है या दीगर हुकूमत के अलावा भी लोगों को कैसे दिलचस्पी दिलाई जाए कि वो ज़मीनों को इस्तेमाल करें और उसमें खाने पीने की चीज़ें पैदा करें, कैसे उनको दिलचस्पी दिलाई जा सकती है? ये तो मेरा नाम राजा मोहम्मद जहांगीर है, ये जो ज़मीन के बारे में कह रहे हैं कि ज़मीनें बहुत अच्छी हैं यहाँ पे, कुछ हुकूमत की तवज्जो भी नहीं है कि कुछ कुछ लोगों के पास जिनके पास ज़मीनें उनके पास अखराजात नहीं है, उनको समझाने के लिए भी कोई प्रोजेक्ट नहीं है और हुकूमत इसमें कोई तवज्जो नहीं दे रही। मेरे पास बहुत ज़मीन पड़ी है, बंजर ज़मीन पड़ी है, मेरे पास अखराजात नहीं है, अगर हुकूमत सपोर्ट करे तो मैं वहाँ से बहुत कुछ पैदा कर सकता हूँ, गंदम भी पैदा कर सकता हूँ, चावल पैदा कर सकता हूँ, सब्जी पैदा कर सकता हूँ, और इसमें कोई हुकूमत की तरफ से कोई अनाउंस नहीं है। जी जी, ये है ना, आप प्लीज इस पे बात करें।